morning class with chapter number 19 when the disaster came is completed. So today we are doing the question answer of this chapter. Okay, so let's start. I am explaining question answer in this class and I will send the answers of questions in picture form to you. You have to do answers of the question from the pictures. अभी आप इसको ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन आंसर्स को और जब मैं पिक्चर सेंड करूंगी उससे आप इनको नोटबुक में कीजिएगा. ओके, क्वेश्चन वन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थक्वेक. ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होता है, क्या जानते हो आप अर्थक्वेक के बारे में, क्या होता है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या होता है, जब एक सडन वाइब्रेशन होती है या आप ऐसे कहेंगे एक सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सर्फेस. जो अर्थ होती है हमारी उसका सर्फेस का अचानक से शेकिंग यानी हिलना. किसके कारण, ड्यू टू द, किसके कारण, अ सडन मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. अंदर के अर्थ के जो परतें होती हैं उसमें मूवमेंट होता है, उसके कारण जो अर्थ सरफेस होती है उसका शेक, वो शेक करने लग जाती है, हिलने लग जाती है एंड इट इज कॉल्ड अर्थक्वेक. तो व्हाट इज अर्थक्वेक, द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू अ सडन मूवमेंट इनसाइड द अर्थ क्रस्ट इज अर्थक्वेक. जमीन के अंदर अचानक से कंपन के कारण जमीन का हिलना अर्थक्वेक कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन फाइव डैमेजेस कॉज बाय अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के कारण क्या क्या नुकसान होते हैं, भूकंप आता से क्या क्या होते हैं. सबसे पहले तो हाउसेस एंड जो बिल्डिंग्स हैं वो गेट डिस्ट्रॉयड, वो नष्ट हो जाती है, टूट जाती है. सेकेंड उसके अंदर मैन पीपल, जो मैन एनिमल वो गेट बर्ड, वो दब जाते हैं इनसाइड द डैमेज, मलबे के नीचे वो दब जाते हैं, तो वो नुकसान होता है. इसके बाद में लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो होती है प्रॉपर्टी उसका भी लॉस होता है, ये भी डैमेजेस है. इसके अलावा स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रोथ एंड शेल्टर, जो ग्रोथ फूड है और जो शेल्टर है घर उसकी स्कैरसिटी में कमी हो जाती है क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इसके अलावा डिजीजेज आर स्प्रेड इन द अफेक्टेड एरिया, और उस एरिया में कई बार क्या होता है डिजीजेज यानी बीमारी फैलने का भी खतरा होता है. तो इस तरह से ये बहुत सारे डैमेजेस हैं जो अर्थक्वेक के कारण आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू फ्लड्स कम, जो फ्लड है बाढ़ वो क्यों आती है. ड्यू टू अनइक्वल, अनइक्वल यानी कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, ये जो अनइक्वल है, इक्वल यानी बराबर नहीं होता है, अनइक्वल और अनलिमिटेड, अनलिमिटेड जो रेनफॉल होती है उसके कारण अर्थक्वेक आते हैं. तो ड्यू टू अनइक्वल एंड अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल फ्लड्स केम, फ्लड्स आते हैं इसके कारण. अनलिमिटेड जो बारिश होती है या अनइक्वल कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं होती नहीं, तो इसके कारण बारिश के इस तरह से होने के कारण फ्लड्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी इंश्योर सिक्योरिटी व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक. जब एक अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो हम क्या सिक्योरिटी, किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को श्योर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं. व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, जब भी एक अर्थक्वेक स्ट्राइक आता है तो वी शुड कम आउट इन द ओपन, हमको तुरंत ओपन में आ जाना चाहिए. एंड इफ वी कुड नॉट कम आउट इन द ओपन, अगर हम ओपन में नहीं आ सके तो वी शुड स्टे अंडर सम स्ट्रॉन्ग टेबल, किसी स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे हमको रहना चाहिए. इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, वी शुड कंस्ट्रक्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेज, हमको हमारे जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेज होते हैं वो भी हमको बनवाने चाहिए. तो ये हम सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए काम कर सकते हैं. उसके बाद में चार क्वेश्चन हो गए आज के लिए, इतना इनफ है. तो ये चार क्वेश्चन आज आपने कॉपी में कीजिएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे.